हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स। सो दिस इज द लेक्चर नंबर वन। आज के जो हमारे सब टॉपिक्स हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम इसे एक ब्रॉड वे में आज के वीडियो में कवर करेंगे एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानने से पहले ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, उसके बाद ही आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में जान सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी अपने में बहुत ही ज़्यादा बड़ी टर्म्स हैं, बहुत ही वास्ट टर्म्स हैं, ठीक है। बट हम इसे एक ब्रॉड वे में कर रहे हैं तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स हिंदी में जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र, राइट। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। जैसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री या हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं फादर एंड देन किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, ओरिजिन उस चीज़ का। तो यहाँ भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। तो इसे आप बिल्कुल अपने जहन में डाल लीजिए, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। एंड अब हम पढ़ेंगे कि जो ये वर्ड है, ठीक है, जो ये वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये कौन से वर्ड से है। तो एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ओइकोनोमिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इकोनॉमिक्स वर्ड को डिराइव किया है जो कि एक ग्रीक वर्ड है। कई बार ये भी आता है कि ओइकोनोमिया इज अ ग्रीक वर्ड, पर्सियन वर्ड, इटालियन वर्ड एंड ऑल, तो आपको फिर वहाँ पर भी आंसर देना होता है। तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब घर की चीज़ों को मैनेज करना। तो इकोनॉमिक्स आप एक तरह से समझ सकते हैं मैनेजमेंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक प्रोसेस क्या होता है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है। हम जस्ट इसे समझेंगे कि इकोनॉमिक प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब है बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मतलब कोई भी चीज़ है, हमें पहले उसको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और उसको फिर ह्यूमंस तक प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ताकि वो उसे यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिक प्रोसेस क्या होता है। कोई भी चीज़ है, रॉ मटेरियल लेना है, प्रोडक्शन करनी है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में इक्वली, उसके बाद ताकि लोग उसे यूज़ कर सकें, राइट। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक प्रोसेस। अब इसमें आएगा क्या क्या, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, वो देखते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ लेबर, लेबर फोर्स कितनी लगती है, लैंड, लैंड का क्या कंसेप्ट रहता है, इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकम क्या है, प्रोडक्शन क्या है, टैक्सेस क्या है। नेक्स्ट आता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे सी एस है, ठीक है, ई सी ओ एन ओ एम आई सी एस। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, कैसी ब्रांचेज हैं इसकी। देखिए, आपने हमेशा सुना होगा कि हमें क्लास प्लस वन प्लस टू में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पढ़नी पड़ती है यूपीएससी के लिए, राइट। हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी पड़ती है, ये चीज़ तो आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बताती हूँ, हमें यूपीएससी के लिए सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, माइक्रो का कोई रोल होता नहीं है खास इसमें, राइट, क्योंकि वो भी इसी में सच कवर हो जाती है। तो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको वर्ड से याद रखना है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब माइक्रो से बड़ा यानी बड़ा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जो बिहेवियर है इकोनॉमी के, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनके बिहेवियर को एग्जामिन करना। फर्म्स कैसे काम करती है, बायर्स कैसे वर्क करते हैं, सेलर्स कैसे वर्क करती है, मार्केट कैसे डिपेंडेंट है सेलर्स एंड बायर्स पे, छोटे छोटे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इकोनॉमी में उनको समझना, ये होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह इकोनॉमी होगा, एम वाई देख लेना आप, इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम इकोनॉमी को पूरे एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, पॉवर्टी पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का मोटे तौर पे मतलब पूरी कवरेज करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन माइक्रो में क्या करते हैं, जो बिहेवियर है, जो बेसिक एलिमेंट्स है इकोनॉमी का, सिर्फ उनको कवर करते हैं। मतलब माइक्रो में हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को कवर करते हैं और मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, राइट। तो ये हो गए ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी, हमने ब्रांचेस पढ़ी, अब हम नेक्स्ट चलेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, इकोनॉमी क्या होती है पहले वो पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है किसी भी देश की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजप्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया बाय डिफरेंट एजेंट्स। इसका क्या मतलब है, देखिए कोई भी कंट्री है उसका एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया है, फिक्स होता है। जैसे इंडिया का पता है ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, नॉर्थ में कहाँ है, ईस्ट में कहाँ है, वेस्ट में कहाँ है, साउथ में कहाँ है, फिक्स है एरिया। तो उस कंट्री के बीच में जो भी प्रोडक्शन होगी चीज़ों की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर लोग उसे यूज़ करेंगे बाय डिफरेंट एजेंट्स। एजेंट्स क्या हो सकते हैं, पानी है, कपड़े हैं, भोजन है, अन्न है, जो भी चीज़ें हैं,
आपको आप तक कौन पहुंचाता है, या सरकार या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस कर रहा है इंसान वो, ठीक है। तो हम इकोनॉमी को समझ सकते हैं कि इकोनॉमी रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया बाय डिफरेंट एजेंट्स सच एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस, राइट। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ इकोनॉमी क्या डिटरमाइन करती है। जब हम किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किसी भी देश के लोग कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है वहाँ की इकोनॉमी के बारे में स्टडी करके, ठीक है। अब जो मॉडर्न इकोनॉमी है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है। कैसे, अब देखिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसका मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखी है क्योंकि फिर अदरवाइज बहुत बोरिंग हो जाती है थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ना। देखिए दिक्कत क्या है, हमारा काम है कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, उनसे प्रोडक्शन इस तरह से करना कि थोड़े से चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, लोगों में हम उसे इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा ना हो कि अमीरों के पास बहुत जो है फैसिलिटी पहुंच गई, चीज़ें पहुंच गई और गरीबों के पास नहीं पहुंची, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना सो दैट अच्छी प्रोडक्शन हो सके, उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके थ्रू वेरियस एजेंट्स, जो कि हमने पढ़े गवर्नमेंट हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो तरह की इकोनॉमीज जो हैं वो बेसिकली होती हैं, एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओपन मतलब खुली, क्लोज्ड मतलब बंद, तो आपको वैसे याद रखना है, ओपन मतलब खुली। देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है, ठीक है, इस तरह से है कुछ, ये हमारा देश है। तो अब अगर ये ओपन इकोनॉमी है मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होता भी रहेगा, इम्पोर्ट होता भी रहेगा। इसका क्या मतलब है, हम चीज़ें बाहर के देशों को भेजेंगे, वो चीज़ें जो हमारे पास एक्सेस हैं, और हम बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे जो चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं होती हैं। ये क्या हो गई, ओपन इकोनॉमी, व्यापार चलता रहेगा, ट्रेडिंग होती रहेगी, बिजनेस होता रहेगा इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ये हो गई हमारी ओपन इकोनॉमी, मतलब फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स, कोई ट्रेड बैरियर, कोई टैरिफ, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजिली हो सकता है, ठीक है। इस तरह की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होती है। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है उससे पूरे देश का मैक्सिमम जीडीपी बनता है, मतलब जीडीपी आप आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में आ जाएगा, 2-3 वीडियोस के बाद जीडीपी का लेक्चर भी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है, कि व्यापार होता रहेगा बाकी देशों के साथ, इम्पोर्ट होता रहेगा, एक्सपोर्ट होता रहेगा, इट इज़ फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम जीडीपी के लिए, ठीक है। प्लस इन्होंने ये भी बताया कि कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं होती जो प्योर ओपन हो या प्योर क्लोज हो, मिक्स होती है, क्योंकि ओपन का मतलब है कि व्यापार होता रहेगा, ठीक है। अब आगे चल के हम क्लोज के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज इकोनॉमी, देखिए ओपन इकोनॉमी जो है इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। क्लोज इकोनॉमी में क्या हो गया कि व्यापार बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कोई भी कंट्री है वो इतनी, हम क्लोज इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो मतलब कोई भी कंट्री इतनी कह सकते हैं आपकी कैपेबल है, सेल्फ सफिशियंट है, कि वो कोई इंपोर्ट करती ही नहीं है बाहर से, ना एक्सपोर्ट करती है, वो खुद ही प्रोडक्शन करती है, खुद ही उस देश के लोग उसको, उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसे यूज़ करते हैं, एंड इस तरह से सिचुएशन चलती रहती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट एक मेजर रोल प्ले किया है इन प्लानिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए अब मैं वीडियोज़ बहुत लंबी नहीं बना रही हूँ, अदरवाइज आपको बहुत प्रेशर हो जाएगा, तो इसलिए ताकि मुझे भी अपलोडिंग में कोई इशू ना हो और आप भी ज़्यादा बोर ना हो वीडियोज़ देख के, तो काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ बनाने की मैंने कोशिश की है। एंड अब आज का टॉपिक हो गया हमारा ख़त्म। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, एक ब्रॉड ओवरव्यू पढ़ा है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे, सिलेबस में आगे चलेंगे, वैसे वैसे हमारा जो डिफिकल्टी लेवल है वो तो ऑब्वियसली बढ़ता ही जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे और ईजी से ईजी वे में उसे समझा सकूँ, क्योंकि वहाँ पर लिखने को तो लिखना तो बात की बात है, पहले तो आपको प्री क्लियर करना होता है, ठीक है। तो अब हमारा आज की वीडियो हो गई है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आप चाहें तो कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो दिस वॉज द लेक्चर नंबर 1। अब जो लेक्चर नंबर 2 है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, उसमें हम मेनली पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, एंड नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी की नेचर कैसी है। तो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी वीडियोज़ बना रही हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बोरिंग हो जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक्स अगर अच्छे से पढ़ी जाए तो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा इंटरेस्टिंगली हम पढ़ेंगे ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड नेचर ऑफ द इकोनॉमी। सो थैंक यू गाइस।